नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। मैं भी बलराम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एनवाईए में। दोस्तों बात करते हैं आज की क्लास की। लास्ट क्लास में मैंने आपको करा दिया था कि अक्ष रेखा पर टैन स्थिति पर या अनुदैर्ध्य स्थिति पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि वैद्युत विभव कैसे ज्ञात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि वैद्युत विभव कैसे राशि है, स्केलर है, अदिश राशि है, जहां पर आपको सीधा सीधा क्वेश्चन लगाना होता है, कोई डायरेक्शन कोई दिशा की जरूरत हमको नहीं होती है। चलिए जरा उसके बाद अगला पॉइंट मैं लेकर आया हूं आज आप लोगों के सामने और बात करते हैं लेक्चर नंबर 29 की। इसमें टॉपिक का नाम है द्विध्रुव की निरक्ष रेखा, टैन बी पोजिशन, अनुप्रस्थ स्थिति पर विभव आपको निकालना है। और हम अंग्रेजी की बात करें तो इंग्लिश में इसको बोल देते हैं इक्वेटोरियल लाइन। नाउ वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। ठीक, चलिए सबसे पहले मैं डायपोल यहां पर ले लेता हूं, ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हो जाती है। और यहां से डायपोल आ जाता है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, हमको पता है इसका मिड पॉइंट ओ होता है और जो लेंथ होती है वो दोनों साइड में कितनी कितनी होती है, एल एल, और मिलकर के क्या बना लेते हैं, टू एल बना लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप यहां पर वही लिखेंगे क्या कि माना इसमें ऐसे लिखेंगे आप एक माना एक वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू वे माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। क्लियर बात समझ में आ रही, ठीक है। और यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे क्या बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है। क्लियर बात समझ में आ पा रही है, कितना वैद्युत विभव ज्ञात करना है हम लोगों को, देखें जरा ध्यान से। अब देखो यहां पर अगर मैं इक्वेटोरियल लाइन की बात करता हूं तो इक्वेटोरियल लाइन हो जाती है ये, यानी कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के 90 डिग्री पर जो होती है। यहां पर मैं लिख भी देता हूं क्या, इसको लिख भी सकते हैं आप दोनों आवेशों को, इसको नोट करके लिख सकते हैं आप दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के 90 ऐसे लिखेंगे आप दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है और उसके लंबार्धक से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है, निरक्ष रेखा कहलाती है। क्लियर है, निरक्ष रेखा कहलाती है। चलिए जी अब इससे आगे की बात को स्टार्ट करता हूं। उससे पहले एक बात समझ लेंगे आप कि इस ओ से आर दूरी पर, ये लो जी ये रही आर दूरी और ये आर दूरी पर बिंदु पी आ गया। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी, ठीक है, क्लियर है बात। चलिए अब यहां से आर दूरी ऊपर हो गई और इस पी पर आपको क्या निकालना है, वी की वैल्यू निकालनी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जितने आवेश आप लोगों के पास होंगे जैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो जितने आवेश उतने विभव बनेंगे। एक विभव यहां से बनेगा वी वन और एक विभव यहां से बनेगा वी टू, दोनों को उठा के एड कर देंगे क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। सबसे पहले बात करता हूं मैं प्लस क्यू के कारण, देखें जरा प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव, तो देखेंगे जरा वी वन बराबर कितना आ जाएगा 1/4πε0 क्यू अपोन। अब क्यू के अपोन में क्या आएगा, देखो जैसे कि मैंने कह दिया ए बी, अब देखो जरा क्यू अपोन आर होता है, आर का मतलब क्या है, ए से लेके पी तक की दूरी, यही तो आएगी यहां पर। देखो जरा ए पॉइंट कहां पर है आपका, ये रहा, और पी कहां है ऊपर, तो ये लो जी यहां से मिल जाता है पॉइंट पी, इतनी बात क्लियर है। अब इसको फिर दोबारा मिला देते हैं यहां से, इसकी भी जरूरत हमको पड़ेगी। देखना जरा अगर इस ट्रायंगल की मैं बात करूं, नाउ द ट्रायंगल इन द ट्रायंगल ए पी ओ, इस राइट एंगल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये क्या हो जाता है, कर्ण, ये लंब और ये आधार,
यानी इस करंट की वैल्यू अगर मैं निकालू तो कितनी आ जाएगी बोलो, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगी क्या नहीं आएगी? क्लियर है? इसी बात को यहां पर लिख देते हैं, वी वन इक्वल टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एटी की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट आएगा साथ में, क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है हमारी वैल्यू, क्यू अपॉन आर है, आर स्क्वायर नहीं है, ई वाले फॉर्मूले में स्क्वायर होता था इसलिए रूट हटा देते थे, ठीक है? ये आ गया वी वन। अब ऐसी अगर मैं बात करूंगा क्या माइनस टू के कारण अगर हम निकाले, देखो माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव, अब यहां से एक बात नोट करेंगे आप क्या कि वी टू इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस का क्यू है तो माइनस क्यू आएगा और आर देखेंगे क्या आ जाएगा। देखो यहां से एक बात ध्यान रखेंगे, जो डिस्टेंस ए से पी तक की है वो डिस्टेंस बी से पी तक की होगी, यानी ये भी एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इतनी ही डिस्टेंस ये लेगा जितनी डिस्टेंस यहां से होगी, क्लियर है? चलिए जी, अब यहां से आगे की अगर मैं बात करूं तो वैल्यू आ जाती है नौ, अगर आपको नेट विभव निकालना हो तो नेट विभव कैसे निकालेंगे बोलो, वी वन और वी टू को ऐड कर देंगे और जब ऐड करेंगे तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा बाहर बोलो, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है? क्यू भी बाहर आ जाता है, अंदर क्या बचेगा बोलो जरा, वन अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहां से क्या आएगा सब बाहर आएगा वैल्यू, अंदर बचेगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहां तक की बात क्लियर है? प्लस माइनस से कैंसिल हो जाता है और वी नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो जरा ऐसे देखो, जब अंदर की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती है तो कैंसिल होकर जीरो आता है और जीरो की मल्टीप्लाई जब इसमें होगी तो सारा का सारा क्या बन जाएगा, तो जीरो बन जाएगा। यानी यहां से एक बात क्लियर हो जाती है दोस्तों क्या कि अगर किसी भी वैद्युत द्विध्रुव की हम लंबार्धक पर बात करेंगे, यानी कि निरक्षय रेखा इक्वेटोरियल एक्सिस के ऊपर बात की जाएगी, तो वहां पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा कितना रहेगा, जीरो रहेगा। ये बात आपको याद रहेगी कि नहीं रहेगी? क्लियर बात समझ में आ पा रही है? एक बार मैं फिर दोबारा से आपको रिवाइज करा देता हूं। देखिए जरा, हमारे पास एक डाइपोल था प्लस क्यू और माइनस क्यू, हमने सबसे पहले प्लस क्यू से पी पर क्या निकाला, वी वन निकाला, उसके बाद माइनस क्यू से पी पर वी टू निकाला, दोनों की डिस्टेंस भी हमने निकाल दी है जिसको मैंने कर्ण यहां पर बोला है, और पी पर मैंने क्या किया दोनों को उठा के जोड़ दिया और जोड़ने के बाद कैंसिल आउट हो गए और उठा के जीरो आ गए, यानी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षय रेखा पर विभव हमेशा शून्य होता है। क्लियर बात समझ में आ पा रही है? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप, बाकी अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा चीजें आपको क्लियर हो पाएंगी और ज्यादा अच्छे से आपको चीजें समझ में आ पाएंगी। क्लियर बात समझ में आ पा रही है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी भी तरह की कोई दिक्कत किसी को? चलिए, इतनी बात क्लियर होगी, समझ में आ गई बात? तो याद रखेंगे आप निरक्षय रेखा पर वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आज यही टॉपिक मैंने कराया था, कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपके साथ, बाकी की जो फर्स्ट चैप्टर के मैंने न्यूमेरिकल आपको कराए हैं टाइप के अकॉर्डिंग, उनको जरूर रिवाइज करते रहेंगे, सारे की सारी टाइप टिप्स पर रखनी है, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।